हेलो हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसाले की बिरयानी। चिकन मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें चिकन की बिरयानी है। बहुत ही इजी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और बहुत ही लजीज है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, अच्छे से इसको वॉश कर दिया है। राइस लिया है मैंने 1.25 किलो, कोई भी राइस आप ले सकते हो, जैसे कि बासमती या फिर नॉर्मल वाला भी। और दूसरे इन्ग्रीडियंट्स मैंने जो यूज़ किए हैं वो है कोथमीर और पुदीना, एक हाथ भर के या फिर 1 कप भर के। 2 मीडियम स्लाइस की हुई मैंने ऑनियन ले लिए हैं, प्याज, टोमेटो, मैंने 10 से 15 हरी मिर्ची और गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर, और मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। और मैंने लिया है खड़ा गरम मसाला, जो कि है इसमें ज़ीरा 1 स्पून और काली मिर्ची, लौंग, चकला, इलायची। और मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ मसाले और दही 1 कप। तो ये मसाले हैं नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले भी सकते हो, वरना हरी मिर्ची ही काफ़ी होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चिकन को 10 मिनट्स के लिए कुकर में कुक कर लेना होगा। ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी अखनी में पकेगा। तो हम इसमें कुकर में इस चिकन को हमने डाल लिया है, और इसमें हम डाल लेंगे ऐसे 2 ग्लास भर के पानी और ये सारे गरम मसाले। आप चाहो तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो, वरना ये तो काफ़ी रहेंगे। और हम इसको एक हाई फ्लेम पर एक विसल लेके 10 मिनट्स इसको बस कुक करेंगे। तो ये हो गया है रेडी, हम इसको प्रेशराइज करने के लिए रख देंगे। और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ये स्टार्ट करेंगे, राइस को तो हमें बाद में कुक करना है। अब हरी मिर्ची ले लीजिए, अदरक लहसुन और गरम मसाला एक जार में डाल के इसको पीस लीजिए अच्छे से। ये मैंने पीस लिया है, तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यही हरे मसाले में बिरयानी में हेल्प होगा। तो अब एक वेसल को या जो भी आप पतीला लेना चाहते हो उसको गरम कर लीजिए, उसमें ऑयल डाल लीजिए, 1 कप ऑयल डाल लीजिए। और उसमें डालेंगे हम प्याज, प्याज को अच्छे से लाल होने तक के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे। ये सारी प्याज मैंने डाल दी है इसमें, और ये लाल होने तक हम इसको पकाएंगे। अब ये प्याज आप देख सकते हो लाल हो चुकी है, तो मैंने इसको आधी प्लेट पर निकाल ली है गार्निश करने के लिए, और आधी इसी में रखेंगे हम। तो आधी मैंने प्लेट पर ऐसे स्प्रेड कर दी है ताकि ये क्रिस्प रहे। एक साथ आप निकालोगे तो वो क्रिस्प नहीं रहे बनेंगी, ये एक किचन टिप है। तो हमारा ये चिकन भी हो चुका है, तो चिकन हम अब इसमें प्याज के पतीले में ऐड कर देंगे पानी के साथ। तो चिकन इसमें मैंने डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, गला नहीं है, अभी अखनी में अच्छे से गल जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का मिक्सचर, जो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, गरम मसाला हमने पीस कर रखा था वो उसको मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसमें कोथमीर और पुदीना, जो मैंने चॉप करके रखा था। सारा कोथमीर और धनिया मत डालेगा, धनिया पत्ते और पुदीना बिल्कुल सारे मत डालेगा, वरना ये फिर टेस्ट मुँह में आने लगते हैं। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टोमेटोज़ को, जो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे थे। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो मैंने फेंट कर रखा था, 1 कप दही डल गया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे दूसरे मसाले, जो कि है नमक, लाल मिर्ची पाउडर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और हल्दी तो ज़रूर डालिएगा, हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नमक स्वाद अनुसार आप जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। अभी सारे मसाले डल चुके हैं इसमें, तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर इसको पकाएंगे हम 15 मिनट के लिए। जब ये 15 मिनट तक के लिए अच्छे से पक जाए, अब इसको पकने के लिए रख दीजिए। अभी अच्छे से पक चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे राइस को, जो चावल मैंने लिए थे, आप चाहो तो इसमें बासमती चावल भी ऐड कर सकते हो, वरना नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हो। अभी सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और एक बार इसको मिक्स कर दीजिएगा पानी डालने से पहले। फिर इसमें हम डालेंगे पानी, मैंने 3/4 राइस के लिए 4 ग्लास पानी लिए थे, क्योंकि इसमें पहले से ही चिकन का भी पानी था, तो मैंने इसमें बस डाला है 4 ग्लास पानी। अगर आपको लगेगा और थोड़ा पानी डालना है तो आप डाल सकते हो, चावल में जितना पानी लगता है उस हिसाब से आप देख कर डाल सकते हो। अगर ज़्यादा पानी आपको महसूस होता है कि डल चुका है, तो आप थोड़े से राइस और ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर दिया था, और अब हम इसको पकने के लिए देंगे धीमी आंच पर, जब तक ये पूरा पानी सूख ना जाए इसमें और राइस अच्छे से पक जाए। अब ये राइस चिकन दोनों अच्छे से पक चुका है,
आप देख सकते हो कि पानी भी सूखने लगा है, तो ये बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब इसको हम ढककर टाइट ढक्कन से इसको बंद कर दीजिए और पकाएंगे हम इसको 15 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे। ढककर पकाइएगा इसको 15 मिनट्स के लिए। अब ये बिरयानी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी खुशबूदार बनी है ये। और मैंने इसमें चिकन यूज़ किया था, आप चाहो तो बीफ और मटन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अब इसको गार्निश कर लिया है पुदीनों के पत्तों से, और जो हमने ऑनियंस फ्राई करके रखे थे उस वो डाल दिया है मैंने। नींबू से सजाया, आप भी सजा सकते हो। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा हरा मसाले की बिरयानी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और ईद का टाइम है तो ईद के लिए तो बेहतरीन ही रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी रेसिपी है। एक बार ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुक इट, ईट इट, रिपीट इट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।